लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। पठानकोट नगर सुधार ट्रस्ट में हुए करोड़ों रुपए के विज्ञापन घोटाले ने शहर के लोगों को हिलाकर रख दिया। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा पाया जा रहा है कि किस तरह अधिकारी मिलीभगत करके सरकारी खजाने को चूना लगा देते हैं। विजिलेंस की टीम ने इस पूरे मामले की जांच कर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें से 4 लोग नगर सुधार ट्रस्ट के कर्मचारी है और 2 लोग विज्ञापन एजेंसी के मालिक है। पठानकोट घोटाले की चर्चा हो रही है, उसके अपना कहना यह है कि पिछले सरकार ने तो एक बड़ा अच्छा काम किया है कि घोटाले को उजागर किया, इनकुआरी बिठाई और घोटाला उजागर होया, लेकिन सानू लगता है कि अगर ये घोटाले की जांच पिछले 15 साल तो करवाई जाए तो यह घोटाला जोड़ा है वह 50 करोड़ के लागे पहुँचेगा। ये जनता दे टैक्स का पैसा है जिदी रज के लुट हुई है और जनता का पैसा जरा जनता के उपर लगना चाहता सी, भलाई वास्ते लगना चाहिए सी, वो पैसा लोगों ने अपनी जेब च पा लिया और पठानकोट की जनता नाल बड़ा बड़ा धोखा किया। साड़ी ये मंग है कि सरकार एक नवी फ्रैश इनकुआरी शुरू करे जिदे विच पिछले 15 साल तो या उस तो भी पहला तो इस प्रकार के सारे घोटालिया जोड़ा है उजागर किया जाए और जिन्हों लोगों ने भी ये गवन किया है लुट की है उन्होंने सलाखा के पिछे किया जाए, यो जनता की सच्ची सेवा हुई। तो यह लगता है कि जिस तरह पिछले 1.5-2 साल की इनकुआरी के ही 4-5 करोड़ रुपये का घोटाला निकलिया है और उदे नाल नाल जिस वेले किसी भी घोटाले की जाँच होंगी है तो कई चीज़ा नाल जुड़दियाँ ने। मैनू यह लगता है कि ये जिहड़ा घोटाला आ जिहनू आपां विज्ञापन घोटाला कह रहे हैं ये केवल 1.5 साल का नहीं होंदा रहा, पिछले 15 साल तो होंदा रहा और इसके नाल नाल जिन्ने भी बाकी अलाइड चीज़ा ने उदी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। नेशनल बस के लिए पठानकोट से लवप्रीत सिंह की रिपोर्ट। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।